हर हर गंगे दोस्तों, आइए आज आपको लेकर चलते हैं ऋषिकेश, माँ गंगा के पावन तट पर। वैसे तो आप में से बहुत से लोग एक या आधे दिन के लिए ऋषिकेश ज़रूर गए होंगे। यह देवभूमि का प्रवेश द्वार जो है, मैंने आध्यात्मिक खोज की वजह से ऋषिकेश की 10 दिवसीय सोलो ट्रिप प्लान की थी। यही चीज़ है जो मेरी इस यात्रा को अलग बनाती है। इसीलिए मेरा यह वीडियो ट्रैवल ब्लॉग ना होकर मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन है। ऋषिकेश जाने से पहले मेरे मन में इच्छा थी कि मैं वहाँ होटल में ना रुककर किसी आश्रम में रुकूं, और इसके लिए मैंने काफ़ी सर्च भी किया कि कहाँ रुका जाए, पर हर वीडियो यही क्लेम करता था कि यह ऋषिकेश का बेस्ट आश्रम है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गई थी। अगर आप भी सेम इशू फेस कर रहे हैं तो मैं आपकी इस परेशानी को इस वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं घर से मन में महादेव को खोजने की इच्छा लेकर गई थी। सोचा किसी मंदिर में शायद वे मिलेंगे, पर गंगा जी के तट पर यह अनुभव किया कि महादेव तो साक्षात यहाँ के कण कण में व्याप्त हैं। मीठे जल का इतना विशाल स्रोत मानवता के लिए महादेव का वरदान ही तो है। गंगा आरती के बाद शाम को घाट की सीढ़ियों पर घंटों देर रात तक बैठकर माँ गंगा की खूबसूरती को निहारना, ऐसा लगता था जैसे युगों युगों से प्यासे प्राणियों को मोक्ष देने माँ गंगा जलधारा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। यहाँ बैठकर ही एहसास होता है कि जीवन का आदि और अंत दोनों ही माँ गंगा को ही समर्पित है। यहाँ ईश्वर को धन्यवाद देते मन नहीं थकता था। गंगा जी का इतना विशाल रूप और कंचन सा नीला जल देखकर एहसास होता है कि यह देव योग से ही पृथ्वी पर आई हैं। घाट पर बैठे बैठे मैं देखती कि अनेकों परिवार यहाँ कुछ समय के लिए आते, फोटोज क्लिक करके चले जाते। वैसे गंगा घाट बहुत अच्छा फोटो स्पॉट भी है। सचमुच जिसे जो चाहिए माँ गंगा उसे वही देती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। फोन पर फैमिली वाले मुझे अक्सर पूछा करते थे कि इतने दिनों में तुम वहां पर बोर तो नहीं हो रही, पर महादेव की ऊर्जा जो कि परम आनंद की है, कोई उससे तृप्त कैसे हो सकता है। हर खुशी के लिए कोई ना कोई कारण हमेशा होता है, पर यह ऊर्जा बिना किसी कारण के ही आनंद देने वाली थी, जिसे अंग्रेजी में प्योर ब्लिस बोल सकते हैं। परमार्थ निकेतन के घाट पर ही एक विशाल शेड में कई साधु संत रहते हैं। कुछ सांसारिक साधन ना होते हुए भी ये यहाँ पर बहुत संतुष्ट एवं प्रसन्न हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। ये किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। हाँ, अगर आप सम्मान से कुछ देंगे तो ले लेंगे। मार्च एंड में जब हमारे यहाँ बहुत ही तेज गर्मी थी, उस समय भी गंगा जी का बर्फ सा शीतल जल था, जिसमें कुछ मिनट से ज़्यादा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सुबह सुबह डुबकी लगाकर तो देह झंझना जाती है, पर माँ गंगा का पवित्र स्पर्श एक अलौकिक अनुभव देता है। यह व्यू है लक्ष्मण झूले के पास ही स्थित 13 मंजिल त्र्यंबकेश्वर मंदिर से। ऋषिकेश यंगस्टर्स में रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। रिवर राफ्टिंग का चार्ज पर पर्सन 400 से 500 तक और राफ्टिंग प्लस कैंपिंग का पैकेज 1200 से 1500 तक आपको आराम से मिल जाएगा। मैंने राफ्टिंग नहीं करने का निश्चय किया क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ करना मुझे सही नहीं लगा। अगर समय है तो नीलकंठ महादेव मंदिर जा सकते हैं। यह ऋषिकेश से 29 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लिए शेयरिंग टैक्सी मिलती है, जिसका आने जाने का प्रति व्यक्ति किराया 200 रुपये है। यह जगह वह है जहां महादेव ने समुद्र मंथन के बाद विष पिया था। आकाश जिनका वस्त्र है, चंद्रमा जिनका आभूषण,
और जिनकी जटाओं में ही श्री गंगा जी का वास है, उस महाशक्ति का दर्शन मन को निर्मल करता है। मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इसके अलावा परमार्थ निकेतन से पास ही में 500 मीटर का ट्रैक करके मैं भूतनाथ मंदिर गई। यहाँ कम ही लोग आते हैं। शांति से बैठने के लिए यह एक बहुत ही अच्छी जगह है और मंदिर की छत से ऋषिकेश का बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। आप बीटल्स आश्रम या जिसे 84 कुटिया आश्रम भी कहते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। ये भी परमार्थ आश्रम से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। नीलकंठ महादेव छोड़कर बाकी सारी जगह मैं पैदल ही गई, क्योंकि गंगा जी के दाईं ओर जहाँ मैं ठहरी थी वहाँ केवल सस्पेंशन ब्रिज पार करके ही आया जा सकता है और ब्रिज पर गाड़ियों में केवल 2-व्हीलर अलाउड है, इस पार रिक्शा नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर अनेकों दुकानों पर एक्टिवा 400 से 500 पर डे पर आसानी से मिल जाती हैं, जिसमें पेट्रोल आपका रहेगा। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 250 किलोमीटर है, जो कि बस या ट्रेन द्वारा 4 घंटे में पूरी की जा सकती है। हरिद्वार स्टेशन के बाहर ही ऋषिकेश के लिए 80 रुपये प्रति व्यक्ति में शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे। ऋषिकेश तक की दूरी 25 किलोमीटर है, जिसे 40 से 50 मिनट का समय लग जाएगा। ऑटो आपको ऋषिकेश शहर में छोड़ेगा। अगर यहाँ पर ठहरेंगे तो आपको किसी अन्य कोलाहल भरे शहर में रुकने जैसा अनुभव ही होगा। इससे थोड़े ही आगे 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर जानकी ब्रिज पैदल पार करके स्वर्ग आश्रम का एरिया आता है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े आश्रम हैं। मैं यहीं पर परमार्थ निकेतन में ठहरी थी। अगर आप तीर्थ या धार्मिक पर्पज से ऋषिकेश जा रहे हैं तो यह एरिया बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घाट बने हुए हैं जहाँ पर शाम को गंगा आरती और मंदिर में भजन कीर्तन होते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। आश्रमों में मुझे परमार्थ आश्रम बेस्ट लगा। यहाँ रुकने के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है। बुकिंग के बिना जगह मिलना थोड़ा मुश्किल है। रूम का पर डे किराया 800 से 1000 तक आएगा। आश्रम का अपना ही एक घाट है जहाँ पर रोज शाम को बहुत ही सुंदर तरीके से गंगा जी की आरती होती है। आश्रम में योगा, मेडिटेशन क्लास, सत्संग और सुबह हवन भी होता है, जिसमें आप यजमान बन सकते हैं। इनके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं है। आश्रम परिसर में ही कैंटीन है जहाँ पर मार्केट रेट पर हर तरह का भोजन उपलब्ध है। परमार्थ निकेतन के बाद ही गीता भवन आश्रम है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट या बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में ठहर सकते हैं, पर अगर आप वेल मेंटेन रूम चाहते हैं तो वे यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ठहरें या ना ठहरें, पर गीता भवन की दुकान से शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ ज़रूर चखिए। मुझे यहाँ की बूंदियाँ और जलेबियाँ बहुत पसंद आईं। इसके अलावा गंगा जी के किनारे पर ही वानप्रस्थ आश्रम और स्वर्गाश्रम भी है। वानप्रस्थ भी मुझे बहुत ही सुंदर लगा, पर यहाँ पर सिर्फ फैमिली को ही ठहरने दिया जाता है। परमार्थ के अलावा बाकी आश्रमों में प्री बुकिंग की सुविधा नहीं है। आपको जाकर ही अवेलेबिलिटी का पता करना होगा, जो कि ऑन स्पॉट मिलना थोड़ा मुश्किल है। जिस समय मैं वहाँ थी हर आश्रम फुल था। स्वर्ग आश्रम से गंगा किनारे पैदल चलकर ही 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो लक्ष्मण झूला पड़ेगा, जो कि तपोवन एरिया कहलाता है। यहाँ पर रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। होटल और हॉस्टल आसानी से मिल जाएंगे। यंगस्टर्स यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। यहीं पर बहुत सारे कैफेज़ भी हैं जहाँ से गंगा जी का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। ऋषिकेश से लौटते समय मैं 2 दिन हरिद्वार में रुकी। हर की पौड़ी पर अब डैम का निर्माण करके गंगा जी के विशाल स्वरूप को कृत्रिम रूप से एक छोटी सी धार में बदल दिया गया है, जो देखकर थोड़ा दुख होता है। यूँ लगता है कि शिव की जटाओं से निकली इतनी विशाल लहरों को कैद कर दिया गया हो। जो गंगा जी थोड़े ही दूर पहले ऋषिकेश में इतनी साफ थी कि ब्रिज पर से नीचे पानी के पत्थर साफ दिखते थे, हरिद्वार में आकर काफ़ी मैली दिखती हैं, जिसे दूषित हमने ही किया है। हरिद्वार में 3 देवियों के दर्शन का महत्व है, मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी। इन तीनों के दर्शन कर मैंने कनखल में दक्षेश्वर महादेव, जहाँ पर प्रजापति दक्ष ने हवन किया था, और माता सती के जन्म स्थान के भी दर्शन किए। यह मैं दूसरे वीडियो में अलग से कवर करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में हरि के द्वार में। हर हर गंगे।
मेरी।